ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः। ये मंदिर है, हंगामा नहीं चाहिए, उसे बाहर बुला। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ वो रहा। पूजा संपन्न हुई, जाकर प्रसाद ले आओ। अभी लाए स्वामी। प्रसाद मैं लेकर आता हूँ। पुजारी जी। हाँ बोलो। हमारे पास कितना समय है? प्रसाद चढ़ाने में 15 मिनट है अभी। इतना काफी है? इतने समय में मैं प्रसाद ले आऊंगा और किसी को प्रसाद खिला भी दूंगा। चेतन। हाँ? मेरे गले से रुद्राक्ष उतार दो। पर अभी किस लिए? खोलता हूँ। शास्त्री, वापस आने तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। वो स्कूटर से भाग रहा है। ए, किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचना चाहिए। झुंड बनाकर चारों तरफ से घेर लो, एक साथ अटैक करो। हाँ भाई। चलो।
हेलो हेलो सर। हमेशा तेरी आवाज में रिस्पेक्ट झलकता है, आज डर की बू आ रही है। काय को डर गया है इतना, उसको फोन दे। तू कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। स्टीफन से तेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है, वो मेरा डॉगी है इसलिए उसे सबको कटवाता हूँ। लेकिन असल में इस स्टेट का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। देख एक ऑफर है, तू स्टीफन को जिंदा छोड़ दे, मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता हूँ, वरना तेरे को। डीजे, मुझे जानने की बहुत ख्वाहिश थी ना डीजे। अरे ये तो बावर्ची को मारने गया था, डीजे कहाँ मिल गया इसे? एग्रो डायमंड केस में पहले ही एक बार इसकी जान बख्श चुका हूँ, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। जिंदा रहना है तो अपना गुनाह कबूल कर, अगर भागा तो पीछा करके मारूंगा। अरे मुझे धमकी दे रहा है, जमाना हो गया मुझे ऐसे जोक सुन के। अरे मुझे ढूंढना तो छोड़, मेरा नाम भी पता करना नामुमकिन है, और अगर तूने पता कर भी लिया तो 900 करोड़ तेरा। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन मेरा पता गूगल मैप पे भी नहीं है। मेरी आवाज सुन ली ना, अब उसके सहारे मुझे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। तेरी आवाज से लगता है तू 60 साल या उससे कम का खड़ूस बूढ़ा है। चिल्लाने पर हाफता नहीं है मतलब 55 के आसपास होगा। बातचीत से बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लगता है मतलब तीसरी फेल होगा। तुझे हर बात घुमाकर करने की आदत है, पढ़ लिख नहीं सकता तो जो सीखा है कहानियों से सीखा होगा। स्टीफन तेरा डॉगी है, इसका मतलब इस गेम में वो एक मोहरा है। पहचान छुपाता है यानी अंदर से तू डरपोक है। अपनी आवाज से खोखला रौब झाड़ने की कोशिश करता है यानी तेरे पास बहुत ब्लैक मनी होगा, ब्लैक मनी होगा, ब्लैक मनी। तू जो भी है, जहां भी है, जो भी करता है, बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा। और जिस दिन ऐसा होगा तब याद रखना कि उस दिन तेरा श्राद्ध मैं अपने हाथों से करूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे मारता हूँ या तू मुझे मारता है, देखते हैं ना। उल्लू है तू, समझता नहीं है चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है, आई वेटिंग, आई वेटिंग, आई वेटिंग। इसीलिए तू तीसरी फेल है, आई वेटिंग नहीं होता, आई एम वेटिंग। पर तुझे ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। यहां कैसे और इसे क्यों मार रहे हैं? के बाद आज हाथ लगी है, कौन बचाएगा तुझे? मरने को तैयार हो जा। लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ए नगाड़े बजाओ, सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। जाओ मार। हाथ छोड़ो, मैंने कहा हाथ छोड़। गणेश सुनो, नहीं गणेश
सब समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं। अपने डर पर काबू रखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? देखो मेरी आंखों में, देखो देखो मेरी तरफ, देखो, देखती रहो। तेरे बाप का माल है ना, आजा, हाथ लगा, हाथ लगा ना, सावे। धनुष से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खोलता जितने तेरे धनुष के नाम से खोलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूं कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी, आई एम रेडी।